हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग डायरी रेसिपीज। आजकल के चलते पेंडेमिक में इम्यूनिटी बढ़ाना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चार तरह की इम्यूनिटी बूस्टिंग चटनियां, जो न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है, जिसे आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चार तरह की इम्यूनिटी बूस्टिंग चटनियां। सबसे पहले हम बनाएंगे रॉ मैंगो बेजिल चटनी। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी हरा धनिया जिसे अच्छी तरह से धो लिया है, एक कटोरी पुदीना, आधा कटोरी स्वीट बेजिल यानी मरुआ के पत्ते, इसे हम थाई बेजिल भी कहते हैं। ये देखिए, ये नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आप इसे सर्दी खांसी जुकाम में भी ले सकते हैं। तो आज हम इसी की चटनी बनाएंगे। अब लिया है मैंने आधा कटोरी कटा हुआ कच्चा आम, अदरक का टुकड़ा और एक दो हरी मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में डालेंगे धनिया, अब डाल देंगे इसमें पुदीने के पत्ते, अब इसमें हम डाल देंगे स्वीट बेजिल, ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ आम, हरी मिर्चें और अदरक के टुकड़े। अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक और एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, और चटनी को पीसने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो बड़े चम्मच। अब हम चटनी को पीस लेंगे, ये देखिए, तो ये देखिए हमारी चटनी पीस चुकी है, कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो हमारी रॉ मैंगो बेजिल चटनी बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे एक सर्विंग बाउल में। अब हम बनाएंगे वॉलनट चटनी। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी अखरोट यानी वॉलनट, जिसे मैंने दो घंटा पहले पानी में भिगो लिया था। भिगोने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। अखरोट खाने में जितना टेस्टी होता है उतने ही इसके फायदे भी हैं। हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर अखरोट यानी वॉलनट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है, ये देखिए। अब हम लेंगे आधा कटोरी पुदीने के पत्ते जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, 5 से 6 कलियां लहसुन की और एक हरी मिर्च। एक मिक्सर जार में हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, अब हम डाल देंगे अखरोट, ये देखिए, और गार्लिक जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच काला नमक और नमक स्वाद के अनुसार। अब चटनी को पीसने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ये देखिए, इसे अब हम पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारी चटनी पीस चुकी है, इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप वॉलनट चटनी को किसी भी सैलेड के साथ डिप की तरह यूज कर सकते हैं या इसे कबाब के साथ भी यूज कर सकते हैं, काफी टेस्टी लगती है ये। तो हमारी वॉलनट चटनी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे अजवाइन के पत्तों की चटनी। यहाँ मैंने लिए हैं अजवाइन के पत्ते एक कटोरी, ये देखिए, ये अजवाइन का पौधा है जिसे इंडियन बोरेज प्लांट भी कहते हैं। इसके भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अक्सर हम किचन में अजवाइन का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ और भी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। जहाँ ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वहीं बच्चों में कॉमन कोल्ड या कोई भी इन्फेक्शन हो उसे भी ये ठीक करती है। तो काफ़ी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज हम इसी की चटनी बनाएंगे और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं ये पत्ते। और साथ में मैंने लिए हैं दो कटे हुए प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया और दो आंवले कटे हुए और दो हरी मिर्च।
एक ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे अजवाइन के पत्ते, ये देखिए। अब डाल देंगे हरा धनिया और दो कटे हुए प्याज और आंवले और हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच काला नमक और नमक स्वाद के अनुसार। इसे अब हम पीस लेंगे। तो देखिए, ये हमारी टेस्टी अजवाइन के पत्तों की चटनी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे अब हम सर्व करेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो हमारी अजवाइन के पत्तों की चटनी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे करी लीव्स की चटनी। यहाँ मैंने ली है एक कटोरी करी लीव्स। करी लीव्स के भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। करी लीव्स में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी और B12। साथ में ही इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाता है। और साथ में हम लेंगे हरा धनिया, एक कटा हुआ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, और लेंगे दो छोटे चम्मच फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हम मिक्सर जार में डाल देंगे करी लीव्स, धनिया, मिर्चें और टमाटर और फ्लैक्स सीड, एक छोटा चम्मच काला नमक, रेगुलर सॉल्ट और थोड़ा सा काली मिर्च, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी पिस चुकी है। ये देखिए, इसे अब हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो हमारी करी लीव्स की चटनी बनकर तैयार है। तो आप इन चारों चटनियों को जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।